Knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Assalamualaikum gamers, welcome to the video. And those people who are new on our channel, most welcome. I hope that you all are good and fine. तो भाई हमारे पास 1.4 अपडेट की लीक्स आ गई हैं. तो सबसे पहले तो आप ये लॉबी देख लो, जिसकी थीम का जो नेम है वो है टाइटन थीम. काफ़ी क्लासिक सी थीम है. इसके अलावा हमारे पास आने वाले हैं कैंपेन, एक नहीं दो, रिलेटेड टू अवर गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग कोलैबोरेशन. ठीक है ना. तो ये आप देखें, बहुत क्यूट लग रहा है ये गॉडज़िला, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है. यू नो, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है. अब पता नहीं ये लोग क्या क्या ऐड करेंगे. इन्होंने पबजी मोबाइल को किचन भी बना दिया है. इन्होंने जो है आई थिंक इन्होंने अभी तक ड्रेस अप कुछ नहीं करवाया, बट डेकोरेशन भी ये लोग करवा चुके हैं और होम मैनेजमेंट भी ये लोग हमसे ले चुके हैं. एंड अभी इतनी क्यूटनेस डाल रहे हैं. ये कैंपेन बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है. इसके अलावा हमें ये तो गॉडज़िला का मिल गया ना, हमें मिल रहा है एक कॉन्ग का भी कैंपियन. ठीक है, वो भी काफ़ी क्यूट है. वीडियो एंड तक देखना, ठीक है ना, स्किप वगैरह मत करना. मैं ज़्यादातर लॉन्ग वीडियोस बनाती नहीं हूँ. मैक्सिमम जो है लेंथ बन रही है अभी ये वीडियो की, तो वीडियो एंड तक देखना. अगर चैनल पर है न्यू आप लोग तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह का बहुत अमेजिंग सा कॉन्टेंट आपको मिलता ही रहेगा मेरे चैनल के ऊपर. फ्री चीज़ें मिलती रहेंगी और पॉपुलैरिटी की वजह से कभी मैं सोच रही हूँ. वीडियो देख लो मेरी पिछली अगर आपने नहीं देखी. तो वापस इस क्यूटनेस की तरफ आते हैं. आप बस इसके चेक करो, इमोट चेक करो आप इसके. ये जो साइड में जो बार चल रहा है, ये बेसिकली इसके इमोट्स जो है प्ले किए जा रहे हैं. और बिलीव मी, बहुत क्यूट लग रहा है ये इमोट करते हुए. ये ना आप भी बताओ मुझे आपको कैसा लग रहा है. और मुझे बताओ कि आपके पास ऑलरेडी कैंपेन है कि नहीं है. ठीक है ना, अगर है तो क्या आपने उसका नाम रखा हुआ है. क्योंकि मैंने जो कैंपेन लिया हुआ, मैंने अभी तक नाम वाम नहीं रखा हुआ. और इसके अलावा अगर आपके पास है तो बताओ, और अगर आप नहीं ले सके तो भी बताओ. एंड इन्होंने शॉप में तो डाला हुआ है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है. बेसिकली फैल्कन के लिए तो इन्होंने एक इवेंट दिया था, जिसके अंदर हमने एक तरह से फ्री में ही ले लिया था. तो अब बारी आती है दूसरे छोटे उस्ताद की, तो इसके ऊपर भी देख लेते हैं और बात करते हैं आगे कैंपेन के ऊपर ही. तो देखा जाए तो भाई ये भी बहुत ही क्यूट है. अब बहुत ज़्यादा मैं क्यूट क्यूट बोल रही हूँ, बट बिलीव मी ये बहुत क्यूट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्यूट है. अब है ना, इसके भी इमोट्स आप चेक कर लो, बहुत ही यूनिक से इमोट हैं इसके. और जो हमारे पास फैल्कन था उसके इमोट्स यानी कि सब जो है तकरीबन ओके थे इमोट फैल्कन के, बट जो लास्ट वाला इमोट था ना उसका, वो बहुत अच्छा था. वो जो फैल्कन को अपने हाथ पे बिठाता है, ये इमोट मुझे सब में ज़्यादा पसंद है. और इसके अलावा अब मैं उनके लिए बता दूँ कि भाई जिनको नहीं मालूम कि फैल्कन हमारे पास फ्री में आया था, और काफ़ी सारे जो है ना अफसोस कर रहे थे फैल्कन के जाने के बाद कि भाई वो हमें फैल्कन लेना था और इसके हम इवेंट नहीं कर पाए कम्प्लीट, हम नहीं ले सके वगैरह वगैरह. तो होपफुली पबजी मोबाइल जो है, ये जो हमें कैंपेन दे रहे हैं आगे दो, इनका भी फ्री इवेंट दे दें कि जो फैल्कन नहीं ले पाए वो ये ले लें एटलीस्ट. तो इसका भी ये लोग फ्री इवेंट दें, बजाय इसके कि इसको यूसी या किसी और चीज़ में डाल दें. तो अगर ये इस तरह कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. और इसके अलावा ये कैंपेन हमारे शोल्डर पे बैठेगा, पीछे बैठेगा और वापस नीचे आएगा, इस तरह का कुछ सीन होगा. एक दो क्लिप वो भी आगे हैं एड. और साथ ही साथ मैं बता दूँ, इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा सीज़न 19 में हमें कौन से क्रेट मिलने वाले हैं. आरपी क्रेट, जो हमारे पास आरपी पॉइंट्स जमा होते हैं वो क्रेट हमें मिलते हैं. तो वो क्रेट कौन कौन से मिलेंगे वो भी आगे शेयर करेंगे. और अभी आप फ़िलहाल इसके इमोट्स चेक कर लो, काफ़ी क्यूट लग रहा है ये वाला भी. और मुझे बताओ कि आपने क्या पिछले कैंपेन लेने के चक्कर में कुछ, आपके पास आई थिंक वाउचर ही, इसके भी वाउचर ही आए थे, वाउचर पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए. होपफुली अगर वही वाउचर दोबारा से दे दें तो चांस बन जाएगा कि आप ये वाले कैंपेन जल्दी अनलॉक कर लें. क्योंकि वाउचर तो सेम ही होते हैं, लाइक जैसे कैरेक्टर के होते हैं ना, सारा, एंडी, कार्लो, तो यही होना चाहिए वैसे तो. तो जी ये आ गई है हमारे क्रेट्स की बारी. तो मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट एनिवर्सरी मैंने नहीं ली थी, ज्वाइन नहीं की थी, तो मुझे क्रेट में अच्छा लगा देखकर. लेकिन एक और बात है
कि जिन्होंने कंटिन्यूसली अपनी आरपी ली है उनको बड़ा बुरा लग रहा होगा, वो लोग जिन्होंने आरपी कंटिन्यूसली ली है बट क्रेट ओपनिंग वगैरह नहीं कर दे, लाइक उन्होंने पहले आरपी लेना शुरू की, उन्हीं आरपी पॉइंट आरपी से जो यूसी मिले फिर नेक्स्ट आरपी ली, फिर उन्हीं आरपी यूसी से नेक्स्ट आरपी ली, इसी तरीके से बस वो आरपी के यूसी पर ही आगे आगे आरपी लेते जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा क्रेट ओपनिंग वगैरह नहीं करते, तो उनके लिए जो है ना ये अफसोस वाली बात हो जाएगी कि भाई उनके क्रेट जो हैं सेम आ रहे हैं। तो ये बात देखने वाली है क्योंकि रिडीम सेक्शन में भी उन्होंने जो चीज़ें दी हुई हैं ड्रॉप वाली, वो भी जो है उसके लिए आपको लाजमी जो है ना यूसी स्पेंड करने पड़ेंगे, वरना आपको कचरा ही रिडीम करना पड़ेगा, लाइक आपको स्क्रैप लेने पड़ जाएंगे और स्प्रे बॉटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो जिन्होंने बहुत पुरानी आरपी नहीं ली है उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन इसके अंदर पता है बहुत सारे इन्होंने दिए हुए हैं, 11 के भी दिए हुए हैं, 9 के भी दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं सीज़न के। अब मुझे कंफर्म नहीं पता कि भाई इन्होंने सारे ये जो दिख रहे हैं कि सारे के सारे क्रेट में आने हैं या नहीं आने, क्योंकि अभी तक इतने सारे जो है ना आरपीज़ के क्रेट नहीं इन्होंने बनाए, तो देखना पड़ेगा कि भाई अभी जो हमारे पास आरपी के क्रेट आएंगे लाइक आरपी पॉइंट्स के, उनके अंदर ही क्या है वाकई सारी के सारे आइटम डालेंगे कि नहीं, तो ये देखने वाली बात है। उसके अलावा मैं इंशाल्लाह अभी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द जो है वीडियो अपलोड कर दूँ यूसी से रिलेटेड, कोशिश करूँगी कि जो है इसी वीक में पोस्ट कर दूँ, क्योंकि उससे आप फ्री यूसी ले सकेंगे और रीजन का जो मसला हो रहा है चेंज करने का, मेरी बात माने, जिन्होंने अभी तक रीजन चेंज नहीं किया है बोनस चैलेंज के लिए वो चेंज ना करें, और वो क्यों ना चेंज करें वो मैं वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि पाकिस्तानी रीजन भी अभी लगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ अभी फ़िलहाल चेंज ना करें। मैंने वो लोग जिनका मोटिव यूसी लेने का है फ्रॉम पाकिस्तान टू लीबिया इसराइल इजिप्ट ETC, जिसमें भी आपने चेंज करना है फ्रॉम पाकिस्तान टू बोनस चैलेंज, ये समझ में ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान से चेंज करना है फॉर फ्री यूसी तो फ़िलहाल ना करें, क्यों ना करें वो मैं आपको रीज़न बता दूंगी अगली वीडियो में। तो वीडियो बस यहीं ख़त्म होती है, एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, पिछली वीडियोस देख लें अगर नहीं देखी तो, और मज़ीद लीक्स वगैरह भी आती रहेंगी आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।